एक्सक्यूज मी, आई एम मेकिंग लिटिल बिट वीडियो, यू हैव एनी प्रॉब्लम? I am doing this for social media. Social media. No. For my friend. Fish outside. Okay. Outside. अभी मैं मुस्तफा मॉल में हूँ. मैं अभी मैंने यहाँ पे कौन सा था, बालाजी, मुझे पीछे बालाजी भवन में मैंने अभी खाना खाया. वेजिटेरियन है ये. चलो आ जाओ, अब मैं थोड़ा मॉल में घूमूंगा. हाँ इधर आ जाओ, चलो. अभी मैं मुस्तफा मॉल में हूँ, मैं सिंगापुर. अभी मैंने खाना खाया, खाना खाया बोलते यहाँ पर मैं घूमूंगा. यहाँ हमारे इंडिया के हिसाब से ढाई घंटे का डिफरेंस है. ढाई घंटे हम यहाँ पे आगे चल रहे हैं सिंगापुर में. आज इधर देख लेते हैं. आज चारों के आप लोग भी देखो, मुस्तफा मॉल इंडिया में बैठे बैठे. यहाँ से कुछ स्नैक्स परचेज करूँगा मॉर्निंग के लिए. यहाँ मैं अपने वाइफ के साथ हूँ, आया हूँ. तुम अपने काम का भी कोई चीज़ कुछ लगे तो जो परचेज करना था क्या ले रहा था? अरे हाँ, मुझे शेविंग के लिए ले रहा था. Seven cream and also two. Seven break. Yes. 17. Okay. Okay, sir. This is black hole. यहाँ भी इंडिया की तरह मिल रहे चाटने वाले, ज़बरदस्ती ये ले लो. हमें तो चाहिए, मैं तो सेविंग टूल के लिए आया हूँ. ठीक है, यह सब SGD चलता है, सिंगापुर डॉलर. ये क्या है इतना सारा डॉलर का? ये 6.9 एक मेंस 350 रहा है. तो बस एक चाहिए, सिंगल नहीं है. क्या ये? हाँ, कोई स्टाफ का नहीं है. एक तो चाहिए. $5.
कैसे हो? ठीक है, आप बताइए। क्या? बढ़िया हूँ। अच्छा, ये सारे वीडियोस बढ़िया से आ रहे हैं? ये जो शॉप दिखा, ये मॉल हाँ मॉल, हाँ उसमें हाँ सब क्लियर है वीडियो? हाँ सब क्लियर दिख रहा है। अच्छा, बस मैं दिख रहा हूँ बस, वैसे नहीं, नॉर्मल। वो तो बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं ना, हाँ, तब वही दिखाई सब देगा। क्लियर दिख रहा है। ठीक है, यदि हम अभी और बात सब कर रहे हैं, हाँ बस बढ़िया है। और बताओ, ऐसे में बढ़िया है? दिखाता तो रहूंगा जब बता। तक। हाँ सही आ रहा अच्छा है। हाँ लग रहा है ना देख के? हाँ, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। काम हो रहा है, 748, हमारा 748 हो रहा दस है बीस अभी। हो। हाँ, कितना? 748 740? यहाँ मेरे तो 7:20 में दिखा रहा है। नहीं, यहाँ पे तो 7:49 अच्छा, नहीं, मिनट और हो रहा है। यहाँ पे जो है, यहाँ हो रहा है 10:30 होने वाला है सिंगापुर। 10:30 रात के या दिन के? है? साढ़े दस दिन के या रात के? सुनाई दे रहे, बराबर बोलो। साढ़े दस दिन के या रात के? रात के, रात के, हाँ, रात के 10:30। 10:30 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं टैक्सी बुक करूँगा 1.5 घंटे यहाँ फोन करके, कुछ मैं परचेज करूँगा पहले कुछ खाने के लिए, और एक शेविंग टूल खरीदूंगा। मुझे बताया गया था कि एयरपोर्ट वाले जो है, इमिग्रेशन वाले जो है, फ्लाइट में लेने जाने देते हैं जो भी शार्प होता है, जिसे कोई खतरा ना करे प्लेन में, तो लेके नहीं आया मैं बहुत सारी चीज़ें, समझे? अच्छा पर उतना चेक भी नहीं कर रहे थे, पर वो ये स्कैनिंग करते हूँ फिर पूरी वो धरती आउट ऑफ उड़ाते हैं। कंट्री है ना, आउट ऑफ कंट्री है ना, थोड़ा संभाल हाँ, करके अच्छा रहेगा। नंबर वन है ये सिंगापुर। यहाँ हाँ मतलब यदि हम यहाँ 1 रुपये खर्च कर रहे हैं, मतलब इंडिया का 52-53 रुपये समझ लो, वहाँ से अच्छा 50 गुना ज़्यादा वैल्यू है यहाँ की। अच्छा मतलब अच्छा यदि अभी मैंने खाना खाया है तो लगभग मुझे लगे 1300-1400 रुपये लगे एक बार का, अच्छा एक टाइम का खाना। यहाँ के भारत के 1400-1400 रुपए। हाँ, वहाँ का, और यहाँ का तो लगा कितना, वही मान चलो कितना, 30 के आसपास, मान लो $30 के आसपास। तो यहाँ के हिसाब से तो अच्छा सस्ता है, पर हम क्योंकि हमारे इंडिया के हिसाब से ये, क्योंकि इनके पैसे की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए हमें पे तो ज़्यादा करना पड़ेगा। ये देखो, ये क्या है, मैं भी दिखाता हूँ। ये देखो, 3.5, थ्री पॉइंट या फाइव फाइव है ये, नेल थ्री पॉलिश है ना? $3.5, $3.5। तो यहाँ पे सबसे सस्ता है, पर हमारे इंडिया के हिसाब से महंगा है। अब इसका 50 गुना से जोड़ ले, 52 गुना, हाँ 150। 50 गुना हाँ देना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम इंडिया से हैं। सही बात है। अच्छा तो यहाँ के लोगों के लिए आसान है, सही बात ईजी है। है, सस्ता है, हमारे लिए महंगा है। कुछ समझ में आए थे कुछ एक तो अभी ऐसा तो हुआ नहीं कुछ, वो देखे नहीं कुछ, मैं रख लूंगा कुछ, एक दो आइटम तो ले लेना, कुछ पसंद आ जाए तो ले लेना, अभी नहीं तो कभी भी लेंगे। और वो खाने का तो लेंगे, और वाला ले लेंगे।
अच्छा मैं वो वाले देख पहले घूम लेते इधर है ना नीचे ही तो है जब जाएंगे तो चले आ जाओ तो देख रहे हैं मॉल 24 घंटे खुला रहता है मुस्तफा नाम से है ये मुझे तो बस ये देखो शेविंग टूल लेना है कुछ मेरी वाइफ कुछ लेगी वहाँ से लेके नहीं आए थे डर के मारे कि ये वो फेंकवा देते हैं सभी एयरपोर्ट पर सही बात है लेकिन 100 ml से ज्यादा लेके आ नहीं सकते तो हम लेके नहीं अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा 2 मिनट और नीचे देखूंगा फिर जब मैं नीचे आऊंगा जाने के समय फिर मैं परचेज करूंगा आपको ताकि मुझे धोना ना पड़े और वहाँ के हिसाब से तो अभी शाम हो रही है मेरे ख्याल से है ना इंडिया के हिसाब से काफी मतलब बेहतरीन जगह है घूमने के लिए और महंगा है बस ये है आप विजिटिंग के लिए गए हो ना वहाँ पे हाँ हाँ घूमने के लिए आया हूँ अभी मैं 3 देश के घूमने आया 3 कंट्री इंडोनेशिया मलेशिया और सिंगापुर तो पहले मैं सिंगापुर आया हूँ फिर मैं मलेशिया जाऊँगा अभी देखता हूँ कब जाऊँगा 2-3 दिन बाद जाऊँगा मलेशिया हो सकता 2 दिन बाद जाऊँ या 3 दिन बाद समझे फिर मलेशिया से फिर मैं जाऊंगा फिर दोबारा सिंगापुर आऊंगा $30 का ये $30 मतलब मान लो 50 से 20 रुपए होती है 1500 रुपए यहाँ पे 24 घंटे घूम सकते हो पूरी रात कहीं भी घूमो पैदल घूमो गाड़ी से घूमो पर हाँ 11:30 रात के बाद में बस ट्रेन नहीं मिलती है टैक्सी लेनी पड़ती है टैक्सी थोड़ी महंगी पड़ती है कम से कम मान लो 600 रुपये एक बार का लगेगा यदि तुम्हें 2-4 किलोमीटर भी जाना है तो मुझे यहाँ से मेरा होटल यहाँ से है 3 किलोमीटर का पास होगा 3 किलोमीटर अभी होटल का व्यू मैं बहुत थक गया था तो अभी यहाँ से सोया मैं 4 घंटे फिर मैं यहाँ पे निकला खाना खाने के लिए और फिर घूम रहा हूँ तो होटल वोटल का मैंने नहीं दिखा हमें
यहाँ पे कुल घड़िया है, मैं दिखा रहा हूँ, मैं एक मिनट, ये $8 का है। अच्छा ये $8 यानी मान के चलो 50 की लगाए, 50 मिलेगी 400 रुपये का। सस्ता यार ये तो, 400 का देख लीजिए। ये सस्ता है। कैश मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुक जाओ ये एक मिनट जरा होल्ड करो, मैं तुम्हें यहाँ का पैसा दिखाता हूँ। और मैं थोड़ी सी इसकी लाइट कम कर रहा हूँ, हीट कर रही है, कर रहा मोबाइल जा रहा है। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रोशनी नहीं नहीं, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट भी दिख। मैंने वहाँ के मलेशिया जाने वाला हूँ तो कुछ रुपए मेरे इंडियन रुपीज़ थे वहाँ पे, मैंने कन्वर्ट कराया था, 2300 रुपये थे। बाकी मैं जो सिंगापुर डॉलर से ही मैं कन्वर्ट करी, सिर्फ सिंगापुर डॉलर में ज़्यादा लेके आया, समझो लगभग 40,000-50,000 रुपये का मैं सिंगापुर डॉलर लाया हूँ। तो जो कुछ बचेगा तो उसी से मैं ले लूँगा रिंजीत, रिंजीत मलेशिया का जो पैसा होता है वो रिंजीत कहते हैं। और बाकी मेरे क्रेडिट कार्ड है, जब देखूँगा थोड़े से कैश बच गए मेरे पास तो फिर मैं क्रेडिट कार्ड उसका यूज़ करने लगेंगे। हाँ तो सही कार्ड को नहीं कर, क्योंकि मैं जो बचा के ले जाऊंगा तो किस काम आएगा, फिर मुझे चेंज कराने में फिर 2-2.5 रुपये देने पड़ेंगे, देना पड़ता है। मैं इंडिया से लाया था, 53-54 रुपये का पड़ा मुझे डॉलर यहाँ का, यानी कि है यदि 50 रुपये का तो 2-3 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा, उनके चार्ज होते हैं। एक मिनट में दिखाता हूँ पैसा यहाँ का। ये सब है, अभी ये सारे नहीं है, मैंने और भी रखे हैं, एक जगह नहीं रखे हैं। हाँ, जितना जरूरी है उतना रखें। ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ का, सॉरी सिंगापुर डॉलर, ये देखो ये $2 है, देखो ये $2 है। ये यहाँ का कोई मेन होगा बंदा, मैंने इंक्वायरी नहीं करा, कॉलेज $2 लिखा है। हाँ, $2 ये है, $10 ये $10 हाँ। ये भी दिखाता हूँ, ये $2। अच्छा ये मैं इधर रख देता हूँ, $3 ये $50 है। $100 वाले मेरे पास जो हैं वो मैंने अपने वाइफ के पास रखवाए हैं, ये $50, ये $50। कुछ मैंने मलेशिया के रखे हैं जो मुझे मलेशिया जाना है, तो दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट। ये तो हो गया यहाँ का, सिंगापुर का दिखाई दे रहा है सारा? हाँ दिख रहा है, एक मिनट। ये है वहाँ का, ये देखो इनकी शक्ल देख लो, ये मलेशिया का कोई महाराजा था। हाँ ये एक है वहाँ का, एक मतलब वहाँ का मतलब 17-18 रुपये देन का पड़ेगा, मतलब यदि हमें वहाँ का 1 रुपया चाहिए तो 18 रुपये इंडिया का देना पड़ेगा, सस्ता है मतलब सिंगापुर से तो काफी। हाँ, ये तो सस्ता है। तो देखो 1 रुपये अभी मैं पहले ही रख दूँ, मलेशिया का मुझे अभी मलेशिया का तो बहुत सारे लेने हैं, अभी इतने से कुछ नहीं होगा, पर जाते से मैं लूँगा। मैं अभी मैं लिटिल इंडिया में हूँ, मैं यहाँ पे ये 5 रिंगिट बोलते हैं शायद, मैं गलत भी हो सकता है उच्चारण कर दूंगा,
बिहार के लोग थोड़ा गलती इंग्लिश में सही बात है ना थोड़ी बहुत। हाँ पर यहाँ पे सिंगापुर भी आओ तो यदि इंग्लिश नहीं आती तो मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना भी पता ही चलेगा कि आपको कहाँ जाना किसे पूछोगे। ये देखो ये 20, ये देखो ये वहाँ का 100 रिंगिट बस अभी, और बाकी चीजें मैंने अपने पास रखे नहीं, मैं रख दूँ एक मिनट रख के दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ ये सस्ती घड़ी है मुझे, मैं ज्यादा महंगा नहीं, चार इंडिया के हिसाब से 400 रुपए का है, सस्ता वाला ये। हाँ। ये है ये $18 है, ये वाला $18 है, ये दिखाई दे 18, अच्छा सारा 18, ये 14 है, इससे सस्ता है। प्राइस भी लिखा लगता है, अच्छा लिखा है $326 का ये वाला, $326 $26 मान 300 भी मानो तो 15,000 है ना। हाँ। 50 15,000 का ये ज्यादा होगा। मोहम्मद मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा एंड सन प्राइवेट लिमिटेड। तो घड़िया घड़िया इतनी है। हाँ ये देखो कितने का ये वाला, क्या लिखा 3 के बाद पता नहीं चल रहा है, ये $18 क्या, $18 क्या ये, इतना ना सेंट है, सेंट मेरे ख्याल से ये सस्ता है, बहुत ही सस्ते वाले
सीनरी देखा मैंने, बिल्डिंग्स ऐसे देखे, तो लगता है मैंने सारा उसी को गया। अच्छा, मतलब ये है कि मजा आया बहुत। अभी तक बस थकावट जो हरासमेंट थकावट जो हुआ बस वो हुआ नुकसान, अभी भी चक्कर आ रहे हैं। फ्लाइट थोड़ी सी हमारे जो मैं वहाँ से आ रहा था, क्या कहाँ से, कुआलालंपुर से, कुआलालंपुर से जब मैं आ रहा था तो थोड़े वेट तो उसमें मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ लग गई उसमें मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ रही थी, तो अभी भी उसके अभी भी मुझे चक्कर आ रहे हैं और हम खा भी नहीं पाते हम लोग ढंग से, है कि नहीं। तो अभी खा करके तब थोड़ी सी एनर्जी आई है, कुछ समझ में आ गया। नहीं साउथ इंडियन बहुत है, बहुत ही ज्यादा साउथ इंडियन। हाँ, साउथ इंडियन बहुत है यहाँ पर। किधर से? उस साइड से है ना, वहाँ साउथ इंडियन यहाँ बहुत है, मतलब भरे पड़े हैं इतने ज्यादा है, पूछो। ये भी मुझे साउथ इंडियन लग रही है। हाँ, यहाँ इंडिया के मिलेंगे तो 90% तो मुझे साउथ इंडियन दिखाई दे रहे हैं, समझे। अब देखते हैं, ये सब तो इंडिया की तरह लग रहा है मुझे। अच्छा, नहीं कथा मैं बता दूं कि भी मैं मुस्तफा लिटिल इंडिया, सिंगापुर लिटिल इंडिया मुस्तफा मॉल में हूँ। मैं यहीं पे मुस्तफा बिल्डिंग है, यहीं पर मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर मैं ये थोड़ा घूम रहा हूँ, कुछ मुझे परचेज करना है तो मैं लास्ट में परचेज करूँगा। अच्छा, मेरे इसमें लगा हुआ है वो फेसबुक पे जो है ना, मेरी पिक वही वाली। हां, ठीक ठीक है, काफी अच्छी है, इससे तो अच्छी। अब ये देखते हैं। अच्छा, ये 6.9 मींस कितना, मान लो 7, मान लो 35, 350 की है ये। नहीं, सस्ती है यार। अरे यार, कुछ चीज तो बड़ी सस्ती है, ये तो सही में सस्ती है यार। हां, 300 की मैंने वो वहाँ से लिया था, वो जो मैं जो पीक मेरी लगी है वो 1200 की थी, वो लैंड के लिया था मैंने नोएडा जी आई पी से। वो कपड़े इसको देखो कहाँ है, यहीं पे आस पास में रहना। मैं इधर हूँ, हेलो, इधर हूँ।
देखते हैं कितने का, ये देखो ये है लगभग 16.9 मान लो $17 यानी हाँ तो ठीक है भाई। इसमें मैंने ये चीज देखा कि इंडिया की तरह, इंडिया मॉल की तरह है। हाँ, इंडिया में कुछ मॉल जहाँ पे 2,000-3,000 से कम के नहीं मिलते, ये ऐसे भी चले जाओ तो अब पता नहीं क्वालिटी का मुझे नहीं पता ज्यादा। तो हम तो टैक्सी से जाना है, थोड़ी देर और यदि मुझे बस से जाना चाहिए तो मुझे अभी निकल जाना चाहिए क्योंकि साढ़े घंटे तो बस मिलती है या ट्रेन। पर मैंने यहाँ से एक एज लिंक पास किसी ने मुझे बताया था और टूरिस्ट पास मैंने लिया नहीं। मैं ना मतलब डिपेंड नहीं होना चाहता किसी चीज़ पर, आज़ाद पैसा ज़्यादा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब जब मर्जी जाओ पास होगा तो मैं भागता ना फिर कि पास का यूज करो है नहीं। अब मुझे टैक्सी जाना है हाँ तो आराम से टैक्सी बुक करूँगा। और एक बात और है, लिफ्ट दिया एक ने, उसे मैंने मांगा भी नहीं। मैं उसे कुछ क्वेश्चन कर रहा था कि मुझे रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट के लिए उसे बोला कि कुछ आप बता सकते हो मुझे। मैं इंग्लिश में बोल रहा था, बोला रहे हिंदी में बोलो यार मैं भी इंडिया का हूँ। तो अच्छा, तो अच्छा। वो इंडिया नहीं बांग्लादेश का था और कि मैं ये रेट इसलिए बता रहा हूँ ना कि भाई तो ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है वहाँ यहाँ में। बस 50 गुना कर, यदि जो यहाँ का एक है उसका 50 गुना कर लेना तो पता चलेगा इंडिया का पैसा, पता चलेगा 50 गुना कर लो, 52 गुना कर लो, 52-53 गुना मल्टीप्लाई। कितने का ये? ये देखो ये 2.9 मतलब यहाँ के हिसाब से 2.90 रुपए का है। हाँ, तो 2.9 डॉलर तो हो गया ना, 2.9 मना कर लो, नहीं तो अभी हम नहीं तो अभी रहें तो देख लो बाद में आके ले लेंगे और जो जरूरी हो ले लेंगे। ये देखो ये क्या है पता नहीं क्या है ये, अच्छा एप्रेन, ये क्या होता है? अच्छा अच्छा ये कितने का है? मैंने बाहर मैंने जहाँ खाना खाया उसके बगल में शॉप था वहाँ पे मैंने देखा 250 रुपये का था अम्ब्रेला। ये है 14.9 मान लो 1575 महंगा। ये बैग यार शायद 150-200 का हो सकता है, देखते हैं कितने का है। ये तो बड़ा महंगा है, 14 कितने का है क्या जो पता नहीं समझ नहीं आ रहा इसमें है क्या जो इतना महंगा है, क्या क्या कह रहे हो? वो अम्ब्रेला जो दिखा रहे थे वो कितने का है? ये अब तुम ना मैं वैल्यू नहीं बताऊंगा, बस 50 से इंटू कर लेना। ये 16.90 यानी कि 16 85 800
800 से ज्यादा का है। तू भी वैल्यू करते रहे ना, मैं ज्यादा वैल्यू करूंगा तो कब हमारे, मुझे पता है जीआईपी मॉल में ये सब मिलते हैं 150 के मिलते हैं। चलो यहाँ देखते कितने का है। ये है इधर है, पता नहीं चल रहा प्राइस इसका। अच्छा एक बैग देखो, ये बैग बेकार हमारे यहाँ 10.9 11 12 फेमस है। और एक है मेरीना बे, है मेरीना बे सैंड है, और क्या था एक दो और है, मैं भी भूल रहा हूँ। मैं तो ये सब मैं देखने जाने वाला हूँ। वहाँ पे लाइट शो दिखाता है काफ़ी अच्छा, मैंने सब सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखे हैं मैंने, तो वहाँ मैं जाने वाला हूँ। मतलब पूरे दिन में घूमूंगा और रात तक। और एक कोई वहाँ पे वो है बीच है कोई, वहाँ पे भी मैं जाऊँगा। एक मेरीना बीच, क्या मेरीना नाम था, मुझे याद नहीं था। ये तो हमारे इंडिया का लग नहीं रहा कि मैं इंडिया में हूँ। गुड डे। हाँ ये तो पता नहीं कितने का आता वहाँ पे, कितने का है, किधर लिखा है तुम देखना, लिखा हुआ कहीं तो। अच्छा ये क्या है, ये रहा 1.5। अच्छा ऊपर के लिए क्या, ये यानी कि आधा डॉलर कितना हो गया, 25 रुपये।
ऐसे करते हैं, एक और फ्लोर पर चलते चलते जाऊंगा, वहां पे काफी सस्ता है। अच्छा लगता है देख लो, एक ले लेना मुझे तो, कोई भी देख लो, जो पसंद आए रख लो। मैं यहाँ से कुछ एक मैं शेविंग टूल लूँगा और खाने की चीज़ें लूँगा मैं, जो अपने होटल के लिए, भले ये सब तो होटल में नहीं मिलेगा ना, इसलिए यहाँ पे इंडियन जो होंगे वहाँ 90% तो मुझे साउथ इंडियन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और उनको हिंदी आती है थोड़ी बहुत तो आती है, पर हिंदी बोलते नहीं है। ये भी साउथ इंडियन है। अच्छा ध्यान है ना क्या क्या लेना है, तो जो है वो देख रहे हैं, और नीचे शेविंग वाला लेना है, बाकी देख लेंगे बाद। अच्छा यहाँ चलते हैं, वो तो नीचे है ना सबसे, वो मेन गेट के पास है, वहाँ से ले लेंगे। थर्ड फ्लोर हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अच्छा, अरे हाँ वो साबुन ले रहा था, तू तो पूछ लेते ना। यहाँ पे जल्दी कोई स्टाफ का मिलता नहीं है जिसे हम कुछ पूछ लें। Is there any staff? Excuse me, staff? Sorry?
थोड़ा मिले दिखा दें तो यहाँ तो हमारे काम का कुछ ही नहीं है, जो यहाँ रहते होंगे उनके लिए ऊपर चलते हैं। लास्ट लास्ट बस सेल 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 व्हाट इज दिस 105 हाँ मिल रहे हैं यहाँ पे 200 का। अच्छा मैं यदि कोई सिंगापुर आएगा तो मैं उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मैं जब आ रहा था तो मुझे डाउट था कि यदि मैं मोबाइल चार्जर लेके नहीं जाऊँगा, मतलब यहाँ का जो सॉकेट होता है वो अलग होता है जिसमें आप हम मोबाइल चार्ज पे लगाते ना प्लग, वो अलग होता है यहाँ पर, तो उसके लिए मैंने अमेजोन से मंगाया था, मुझे 250 रुपये का पड़ा था, यूनिवर्सल था वो, मतलब मैं पूरे वर्ल्ड में उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे वो सस्ता मिल रहा है, 200 रुपये का मिल रहा है, तो मैंने उसको क्या बोलते हैं उसको ना, ये यदि मैं चाहूँ कि सीजर में परचेज करके इंडिया ले जाऊँ, एयरपोर्ट वाले नहीं ले जाने देंगे, वहीं मुझे फेंकना पड़ेगा। 5.96 300 रुपये का। और कुछ ये क्या है, ये क्या है, $2.5। अच्छा ये उसके लिए है ट्रॉली का, मे भी ट्रॉली का है। तो 8 बज रहा है इंडिया में, इस समय 8 बज रहा है और यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, यहाँ 11:06 हो रहा है, रात को 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 11 ठीक है, लगभग 2.5-3 या 3 घंटे का डिफरेंस है, हम मतलब सिंगापुर में जा आगे चल रहे हैं। ये देखो हाँ वहाँ पे कुछ, वहाँ पे डॉल वॉल भी सकते हैं, उधर इधर से होगा आ जाओ। ये देखो ये सौ ये है ठीक है, एक मिनट, ये
ये कहाँ, ये वहाँ, यहाँ का नियम होगा तो ये वाला, ये वाला। अच्छा ये मैं किसी, यदि जो भी देख रहे हो उनको मैं आपको बता दूँ, ये जो है ये है सिंगापुर में, ये लगता है इस तरीके का। यदि हमें अपना चार्जर और अपना लाना होगा तो वो इसमें हम लगाएंगे, इसमें, और ये वहाँ पे लगेगा। ये सब इस तरीके का, देखो ध्यान से, ये जो कि मैं लेके आया हूँ इंडिया से, ये इस तरीके से पतला है, ये हम ऐसे लगाएंगे जो इस तरीके से। फिर हम अपना यहाँ चार्जर यहाँ लगाएंगे मोबाइल का। कितने का है ये यहाँ पर? 1.8। ये काफ़ी सस्ता है, लगभग 100 रुपये का है, 100 रुपये का है। और ये देखो 100 रुपये का, ये सस्ता है। एलईडी फिलिप्स का एलईडी, एलईडी है, हाँ एलईडी लाइट है 7.9। अच्छा ठीक है, इंडिया की तरह ही है। वाटर बॉटल दिस वो अप्रोक्सीमेटली $20 कुछ गड़बड़ है, नहीं सॉरी सॉरी $20 नहीं है ये, उधर चलो साइड चलते हैं। काम का तो ले लेना, ये बैग, बैग है यहाँ पे। कैप, कैप यहाँ पे बड़े मुझे अभी तो सस्ते दिखे हैं इंडिया से, पता नहीं कैसे, समझ नहीं आया ये कितने का है। ये सही है, ये 600 रुपये। हमारे काम का कुछ नहीं होता, $10 $500 पर। हाँ ये जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को प्राइस बता रहा हूँ इसमें मेरे ख्याल से टैक्स भी अलग से लगेगा, तो टैक्स के बाद ये शायद हो सकता है, मैं भी पता नहीं टैक्स। बांग्लादेशी होंगे, पाकिस्तानी होंगे या इंडिया के मुस्लिम। पेन, ये तो कहेंगे पेन है सिंगापुर पेन्स। $2.7 इट मीन्स 130 रुपये का पड़ेगा। हमें जितने प्राइस बताऊंगा वो टैक्स मतलब वो अलग से एक्सक्लूड है, नॉट इंक्लूसिव।
शार्पनर सब लेने और ये ब्लेड है इसके अंदर, ये ले जाने का ये फ्लाइट में इसके अंदर तो ब्लेड है ना, ये नहीं ले जा सकते तो क्या है? फिर भी ब्लेड तो है ना, ये शार्प हम ना कुछ भी, हम देखो प्लेन में हम शार्प कुछ भी नहीं ले जा सकते, इसके अंदर तो ब्लेड है शार्प में, इसको हम नहीं लेंगे। कैसा है एक बार देखना, अच्छा है, निकाल के एक बार देखो ना, ओपन हो जाएगा यहाँ से इधर, पता नहीं ये ले जा पाएंगे नहीं ले जा पाएंगे, पता नहीं हमें, कंफर्म नहीं है मुझे। जो शार्प चीज़ें होती हैं, जो हार्ड या फिर स्टील का ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ों मना करते हैं, पेन ले जा सकते हैं इसमें कोई कुछ नहीं है, मतलब हम चेक इन बैग में तो ले जा सकते हैं काफ़ी कुछ। ये 55 रुपये का, लगभग 55 रुपये का पेन है, बताओ ये कार देखने में भी अच्छा नहीं है। बस हाँ ये है कि सिंगापुर का है, वो 55 रुपये का था वो पेन। पाउच का है, अरे हाँ एक पाउच मुझे दिस ज़्यादा महंगा नहीं लगा तो ले सकता हूँ, मेरे बेटे और बेटी को दोनों को पसंद आएगा। ये $10 का है, 500 रुपये का ये, देखो अच्छा होगा तो ले सकते हैं, ले लूँगा मैं, देखना ओपन कर देखो। हाँ मुझे दो लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा लड़का फिर परेशान करेगा, मतलब यार लड़की कहेगी मेरे लिए नहीं लेकर रहा है, तो मुझे दो लेना पड़ेगा, पर मुझे मेरे डॉटर को शायद ये कलर पसंद नहीं आएगा, पर ये पर देखो तो कैसा ओपन कर दे, अच्छा है मुझे लगा कि लेने लायक है तो रख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, अभी हम कल भी आएंगे, कल भी कहीं और भी जाएंगे मॉल में, मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं आया, इससे मैं खुश भी हूँ। क्या ये, अच्छा इधर है, इसे मैं यहाँ से कुछ सामान परचेज करके ले जा सकता हूँ, अब मुझे ले जाना है तो मैं वहीं से डिसाइड करके आया था। $10, अरे हाँ ये कितने का मिलता है इंडिया में, इंडिया में ये कितने मिलता है, 200, 250, 150 का मिल जाता है, ये कितने का है, 500 रुपये, और इतना अच्छा भी मिला मुझे, वो नहीं ले रही पाउच। उसके लिए वो डॉल एक बार पूछ लेंगे कि देयर आर डॉल्स फॉर द किड्स इन दिस मॉल, सॉरी आई एम नॉट गो, ओके ओके ओके, यस यस, B2 ऑन विच फ्लोर, floor only your price level 2 or 7, what did it, basement 2, basement 2 all playing basement 2 or game hall or replica, yes, okay, thank you, game hall, yes, toilet department also, okay, thank you. ये पेन देखने बोल गया तो चलो, अच्छा हाँ ये देखो मेरे काम का, ये मुझे मैंने एयर एशिया, एयर इंडिया और मैं जो 7 फ्लाइट्स हैं उसमें 3 कंपनियों का एयरलाइंस का है, एक विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया, उन दुष्टों से मैंने कस्टमर केयर में काफ़ी बात किया, मैंने सब ने मना ही किया कि शार्प चीज़ें कुछ लेकर नहीं जाना है,
मुझे डर लगा कि लेकर वो एयरपोर्ट पे फेंक देंगे, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ लेके ही नहीं आए। मैं रिस्क नहीं लेता जल्दी, नहीं नहीं रिस्क मतलब लेता भी हूँ, इस तरह का नहीं लिया रिस्क मैंने। कितने का ये ले सकते हैं? हाँ ये देखो, ₹200। इनमें से कुछ अच्छा लगे तो देख लेना, रख लो। यदि इससे बेटर यही चीज़ और कहीं मिल गया तो वहाँ से ले, अभी रख लो। सही लग रहा है, ये भी देखना है कि हम एक बैग में आ जाए। ओपन, अच्छा तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन से थर्ड वाले पे हैं, फोर्थ पे हैं, फोर्थ सिंगापुर में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग, मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी है, इंडिया में उतना नहीं था। कुआलालंपुर में भी सिक्योरिटी अच्छी थी, पर सबसे ज़्यादा सिंगापुर, वहाँ तो कुछ भी गुस्से में ही बोलते हैं सब, शायद इसलिए तो पता नहीं क्यों। मैं केवल मुझे पानी था पीने के लिए रखा था, मैंने उल्टी उन्होंने फेंकवा दिया मेरा पानी सिंगापुर में। इंडिया और कुआलालंपुर में ऐसा कहीं नहीं हुआ पानी का। फिर मैंने थोड़ा सा उससे रिक्वेस्ट भी किया कि दिस इज़ नॉट गुड, तो उसने फिर बोला कि ओके यूके आप इसे पानी यहीं पे फेंक दो, जो आपका ये लिक्विड से डरते हैं ये, जो आप लिक्विड लेके नहीं जा सकते, तो पानी फेंकना पड़ा हमें, कोई नहीं। अच्छा ये वो है जो चल, हाँ तो चलो उसी वाले पे, डॉल वाले पे चलते हैं। चलो फिर हम भी और बोर हो गए, थक गए, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, 5 मिनट बाद मैं बाय बाय बोलूँगा आप लोगों को, या मैं सोच रहा हूँ बोल ही दूँ आप लोगों को। फिर मैं रास्ते में यदि मैं टैक्सी करूँगा तो वहाँ से मैं लाइव में भी हो सकता आ जाऊँगा, नहीं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, या तो क्योंकि अच्छा हाँ इंडिया में तो काफ़ी भी लोग जगह होंगे। किधर चलना है? इधर से ना सीधा ये रहा ना, चलो बार बार मेरे दिमाग में यहाँ का टाइम आ जा रहा है, तो इंडिया का मैं भूल जा रहा हूँ कि इंडिया का टाइम क्या है। यहाँ के हिसाब से हम काफ़ी लेट हैं। मुझे अपने होटल वालों ने भी या किसी ने भी ये बोला कि आप पूरी रात 24 घंटे आप घूमो, आपको कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाला। यदि कहीं भी कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ऐसा कोई, तो आप पुलिस को फ़ोन करो, वो आकर के आपके एक हेल्प करते हैं, 999 पे हम कॉल कर सकते हैं। वैसे होता नहीं है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है सिंगापुर में। ये हमारे इंडिया का है, जब हमारे इंडिया के हैं हम विदेश में मिलते हैं तो एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, पर वही हम इंडिया में नहीं करते। मुझे बांग्लादेशी मुस्लिम ने काफ़ी हेल्प किया आज, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा था, उसे लगा कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, तो उसने मुझे ड्रॉप किया, लिफ्ट दिया, खुद उसने मुझे लिफ्ट दिया। इंडिया में हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पर जो हेल्प करने वाला वो रिक्वेस्ट करता कि मेरी हेल्प ले लो। नीचे चलना है, उधर किधर उधर जा रहे ऊपर जा रहे हैं, और नीचे उधर जाना। देखो साउथ इंडिया एक बंदा अच्छा मिला खुद, अब आपने देख लिया होगा, खुद ही वो हेल्प कर रहा है, मैंने उसे पूछा भी नहीं, मैं तो अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था। तो ग्रेट ग्रेट लोग हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ कपड़े हैं,
उधर ही चलना है। पार्ले जी, अरे पार्ले जी देखना सर, हम तो ले लिए अभी चिकन, तो और कुछ लेना है इनमें से? अरे हो जाएगा तो सूबे के हिसाब से, बाकी हम साढ़े कितने का है ये? देखो एक टी शर्ट, हाँ कल या कल परसों जब जाएंगे तो टी शर्ट ले लेंगे, ध्यान देना टी शर्ट का। क्या शैम्पू? हाँ वो तो, अरे वहाँ ही तो था, वो सस्ता भी था, वो लेना था मुझे, वो बच्चों वाला था वो नहीं। अरे ये ऊपर था नहीं, अब तो अब कौन सा वाला का था? थर्ड का कि सेकंड का? और सिंगल भी था, मैं भूल गया कौन से फ्लोर का था। स्विच भी सेविंग टू, सेविंग टू केवल एक था ना उसमें, किधर है मैं जब टैक्सी बुक करूंगा तो यदि या तो मैं लाइव आऊंगा या फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, वो वीडियो अपने लिए खास तौर पे, क्योंकि यहाँ की सीनरी बहुत अच्छी होगी। और इसलिए ये हम नीचे आ गए हैं, यहाँ से मैं नीचे से कुछ जरूरी चीज़ अब मैं ले लूँगा और फिर मैं बाहर निकलूँगा, टैक्सी बुक करूँगा मैं। एक ऐप है ग्रैब टैक्सी शायद, मे भी ग्रैब और उबर भी है यहाँ पर। थोड़ा हम बाहर और थोड़ा टहलेंगे रोड पर,